बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो आपको फैन फैनकोड ईसी स्ट्रीट एंड सीचन रिपब्लिक का जो मैच है उसके बारे में इ टू जेड डिटेल्स बताऊंगा वीडियो को शुरू से लेकर देखेगा एक भी पार्ट वीडियो का मिस मत कीजिएगा क्योंकि अगर वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस कर देते हो तो बहुत सारी अपडेट्स आप मिस कर दोगे क्योंकि बर्नो वर्सेस बीसीसी बोईमियन के बीच ये मैच है इसके बारे में आपको पहले तो मैं लाइनअप वगैरह इनका क्लियर कर दूंगा आपको लास्ट मैच का जो इनका परफॉर्मेंस था वो आपको बताऊंगा विद एक प्रॉपर स्मॉल लीग के टीम के साथ तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा शुरू से लेकर तक सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी दैथ में कौन बॉलिंग करेगा क्या कैसा किसका परफॉर्मेंस रहने वाला है कौन सा प्लेयर अच्छा रहेगा स्मॉल लीग के लिए कौन सा प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए अच्छा रहेगा सभी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है उससे पहले बता दू भाई एटी फाइव का कॉन्टेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसमें देखो यार जो वीडियो मैं कवर करता हूं जिसके बाद

कॉन्टेस्ट खेलता हूं वही सेम टीम के साथ जब आपको टीम सेंड करने के बाद मैं वही कॉन्टेस्ट रियल 11 में तुरंत ज्वाइन करता हूं तो बस मेरा यही एक ट्रिक है जिससे मैं इजीली तरीके से अर्न कर रहा हूं अगर आपको भी रियल 11 का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है क्लिक करके तुरंत से डाउनलोड कर लीजिएगा रेफर कोड में आपको संदीप 11 डाल देना है तुरंत आपको संदीप 11 डाल देना है आपको तुरंत रेफर कोड अप्लाई हो जाएगा और जल्दी से साइन कर लो अपने न्यू नंबर पे अगर आपने नहीं किया अभी तक तो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको फाइनल टीम और अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी मैच से जुड़ी भाई ज़्यादा बड़ा अपना टेलीग्राम चैनल नहीं है आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो बिल्कुल अपन भी आ, कुछ दिन में फेमस हो जाएंगे बट थ्री पॉइंट सिक्स के मेंबर्स है यहाँ पास आपका भी मोस्ट वेलकम है जल्दी से आकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टी टेन का कोई मुकाबला ही नहीं है अपना का ठीक है कबड्डी के मैचेज का टीम्स आपको दे ही रहे हैं लगातार बस स्क्रीन शॉट नहीं डालते भाई आप ही के लिए नहीं डालते क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपन डालते हैं भाई एक बार में करीब सत्तर नोटिफिकेशन अगर आपके में चले गया तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि भाई रोज़ मैसेज डालता है थोड़े नोटिफिकेशन की वजह से बंदे परेशान हो जाते हैं जिसके कारण अपन नहीं डालते हैं बट वही चीज़ है कि आप लोग के फेवर में अपन हर चीज़ करते हैं ये चीज़ भी आपके फेवर में है वीडियो को पूरा देखेगा मैच आपको सभी सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी इस मैच में इन्वेस्टमेंट थोड़ा नॉर्मल रखिएगा क्योंकि बर्नो वर्सेस बोहेमियन के बीच ये मैच है ज़्यादातर आपको देखो यार दोनों ही टीम्स तगड़ी है अपने अपने अकॉर्डिंग बट जो प्रॉपर लाइनअप होता है वो मेन रहता है कभी किसी बॉलर को टॉप में बैटिंग करना रहता है बट कभी किसी बॉलर को मिडिल में भेज दिया जा जाता है बस वही कारण है जिसके कारण वो टॉप में चलने वाला प्लेयर मिडिल में जाकर बिल्कुल फ्लॉप चले जाता है और किसी को ओपनिंग पसंद होता है बट उसको चौथे पाँचवें नंबर पर भेजा जाता है जिसके वजह से क्या रहता है यार वो प्लेयर चल नहीं पाता है और बिल्कुल फ्लॉप चले जाता है बस यही कारण है कुछ कारण है अगर इस पर अगर टीम्स वर्क करती है तो डेफिनेटली उसको ह्यूज प्रॉफिट होगा पहचानना है बस कि कौन सा प्लेयर हमारा टॉप में खेलने लायक है कौन सा प्लेयर हमारा मिडिल में खेलने लायक है ये चीज़ अब वहाँ के कैप वहाँ के जो कैप्टन है वो मैनेज नहीं कर पाते जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बट मेरे ख्याल से अभी जो है वो आ, इसमें जो है लाइनअप आपको मिल जाएगी बट लाइनअप के अकॉर्डिंग अपने को जाना है ज़्यादातर अपने को बी आर एन के तरफ से प्लेयर्स को ट्राई करने हैं बी सी सी की तरफ से भी ट्राई करने हैं कुछ प्लेयर्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं लास्ट ईयर से मैच खेल रहा हूँ भाई बहुत ही तगड़ा इसमें प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा बस कुछ ही कंडीशन है जिसको अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे ख्याल से अच्छे खास प्रॉफिट में चले जाओगे चलिए स्टार्ट करता हूँ विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ आपको दो ही प्लेयर खेलते हुए देखेंगे एक आपको एस ग्रोवर खेलते हुए देख सकते हैं अनसार खेलते हुए देख सकते हैं ठीक है एक ना

अब देखो बैटिंग सेक्शन से आपको खांडे को ट्राई कर लेना है क्योंकि ये जो प्लेयर है डेफिनेटली आपको ह्यूज प्रॉफिट देते हुए नजर आएगा बैटिंग से तो आपको पॉइंट देगा ही बॉलिंग सेक्शन से भी पॉइंट दे सकता है कभी कदम इसको बॉलिंग भी दे दिया जाता है ई राय आपके लिए इंपॉर्टेंट है पक्का आपको पॉइंट्स देते हुए नजर आएंगे एक बैनर्जी के साथ चले जाएगा कासिफि के साथ चले जाइएगा दोनों में से एक प्लेयर को ट्राई किया आपके ऊपर डिपेंड करता है जेड महमूद के साथ ज्यादा लोग जा रहे हैं आप भी ट्राई कर सकते हो एवरेज प्लेयर है एवरेज प्लेयर का रिकॉर्ड जानते ही हुए कैसा रहता है तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी अभी ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने जैसा जैसा बताया था आपको सेम उसी प्रकार

अब देखो राघवेंद्र सिंह है यहाँ पर जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तीस पैतालीस का पॉइंट आपको नॉर्मल देते हुए नजर आ जाएंगे एक आध मैच फ्लॉप जाते हैं बट ये वाले मैच में ट्राई करके चलेगा अगर खेलते हुए आपको दिखते हैं तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक कें अगर मैं नेक्स्ट प्लेयर की बात करूँ तो आर तोमर दिख जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और एस फरहाद जो कि इस मैच के सबसे की प्लेयर हैं ठीक है ठीके? ये दोनों प्लेयर को ट्राई कीजिएगा आर सिंह भिस्ट को मैं तभी बोलूँगा जब दो चार मैचेस करीब निकल जाए इस मैच की इस सीरीज की दो चार मैचेस जब निकल जाएगी तब आर सिंह भिस्ट को अपने मिडिल मिडिल प्लेयर के रूप में ट्राई जरूर कीजिएगा बैटिंग बॉलिंग दोनों मिल जाता है दोनों से ही आपको पॉइंट्स देते हुए नजर आएंगे अभी फिलहाल जो फाइनल टीम है कुछ इसी प्रकार से रहेगी कुछ अपडेट्स होगा मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भुलेगा और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ही पड़ेगा देखो वाइस कैप्टन के ऑप्शन बहुत सारे हैं मट्टा को भी ट्राई कर सकते हो डिफ्रेंसल के रूप में सेफेस्ट में ग्रूबर है आपके लिए जेड महमूद तो नहीं है ए राय को ट्राई कर सकते हो जे इकबाल आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है जे सिंह राजकोर को रिस्की में ट्राई कर सकते हो आर तोमर को रिस्की में ट्राई कर सकते हो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है ए कुमार वासुदेव को भी ट्राई कर सकते हो रिस्की है। बाकी मैं जो सेफेस्ट ऑप्शन आपको बता ही चुका हूं मेरी जो फाइनल टीम है कुछ इसी प्रकार से रहेगी कुछ अपडेट्स होगा तो मैं आपको टेलीग्राम दे दूंगा देखो मैंने 7 -4 का कॉम्बिनेशन बनाया है बीसी की तरफ से ज्यादातर प्लेयर्स को ट्राई किए हैं क्योंकि इसके जो बॉलिंग सेक्शन सेक्शन का सक्षन है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ बी आर तरफ से तो इसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा मुझे मजबूत लगता है क्योंकि बैटर्स भी इसके बॉलिंग कराते हुए आपको दिख सकते हैं अगर आपको किसी प्लेयर के ऊपर डाउट होता है तो बिल्कुल आप उसे ड्रॉप करके नेक्स्ट प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा डिस्क्रिप्शन में है मिलता हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ तब तक के कर लेता हूं इस टीम को मैं अपने आ, ड्रीम इलेवन में सेव अरे हाँ एक चीज आपको और बताना भूल गया भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस मैच में इन्वेस्टमेंट आपको एवरेज रखना है क्योंकि देखो यार ये मैच रिस्की भी हो सकता है क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया किसी को टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना पसंद है बट उसे मिडिल में भेज दिया जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क वर्जन हो जाता है बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार खेल कर देखेगा भाई आप पैसा कमाने के लिए नहीं फर्स्ट मैच आप अपने फन के लिए खेलेगा आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं आता है तो कोई बात नहीं बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि टी ट्रेन का मैच लगातार रॉकिंग जाता है अपना नेक्स्ट मैच में अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा बात में दम है वीडियो में टू प्लस लाइक का टारगेट रखा है इसको कंप्लीट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो भाई सबसे पहले अपडेट्स आपको मिल जाएगी हमारे वीडियो की मिलते एनालिसिस के साथ